नमस्कार दोस्तों, हमारी कुछ कमज़ोरियों का फ़ायदा दुष्ट लोग उठाते हैं। कैसे उन कमज़ोरियों से बाहर निकलें? आज गुरुवार है और मैं आप लोग को कम से कम 3 राय देने वाला हूं, जिससे आप अपने दुश्मनों के द्वारा सताए जाने से बाहर निकल सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे कुछ रहस्य जो हम सबसे छुपाया गया हमेशा, उन रहस्यों से थोड़ा पर्दा हटाया जाए। क्योंकि आज सुबह ही मैं अपने वीडियो में कह रहा था कि लोग हमारे ऊपर चढ़ते हैं, और इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि हम उन्हें चढ़ने देते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि कोई हमारे ऊपर नहीं चढ़े, उसके लिए क्या कर सकते हैं। कम से कम 3 उपाय की मैं बात करूंगा आज। आज गुरुवार है और गुरुवार को लोग धार्मिक या आध्यात्मिक दिन भी मानते हैं। अध्यात्म क्या है, ये बहुत ही गहरा विषय है। इस पर मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन एक लाइन जरूर कहूँगा। अध्यात्म के रहस्य को हमेशा से छुपाया गया है, और मुझे लग रहा है कि जब से दुनिया बनी होगी, पिछले 10,000 वर्षों से अध्यात्म के नाम पर सच को छुपाया जाता है और झूठ को बताया जाता है। मुझे शिकायत है बहुत सारे गुरुओं से, जिन्होंने झूठ को खूब फैलाया है, खूब फैलाया है, खूब फैलाया है। सत्य को उन लोगों ने छुपाया है, जानबूझ के छुपाया है, या सत्य उनको पता ही नहीं है। ये भी एक बात हो सकती है। धरती पर जब जब सत्य जिनको भी पता चला, या तो वो मौन होकर हिमालय में चले गए, या फिर इसी समाज में पागल की तरह मूर्ख की तरह बैठे रहे और लोग जान ही नहीं पाए। जैसे ओशो के गुरु हुए हैं मग्गा बाबा। मग्गा बाबा जब कहीं बैठते थे, उनके हाथ में एक मग होता था और वो उटपटांग भाषा में बात करते थे, यानी वो हिंदी भी नहीं थी। और चलिए, लगातार मैं इसी समय में आप सभी को, आज हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं पहले दे दूँ आप सभी को। और मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, हिंदी दिवस को लेकर दिन भर मैंने जितने भी कोटेशंस पढ़े, उससे हटकर मैं अपनी बात करना चाह रहा हूँ कि वाकई हिंदी एक बहुत ही प्यारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है। और हिंदी बोलने पर मुझे गर्व है, हिंदी लिखने का मुझे गर्व है, और मुझे सबसे अधिक कोई भाषा ठीक से आती है तो हिंदी आती है। मैं हिंदी अच्छी तरह लिख सकता हूँ, अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ, अच्छी तरह बोल सकता हूँ। मुझे हिंदी भाषी होने पर गर्व है, और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जो भी भारतीय हैं, वो अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी लिखने में, हिंदी बोलने में। अगर कोई आपसे, कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत ही फेमस टीचर है खान सर का, कल रात को मैं वीडियो देख रहा था। वो कह रहे थे कि जब भी कोई आदमी इंग्लिश में आपका इंटरव्यू ले, तो उसको बोलिए कि हिंदी में पूछो, क्योंकि सेलिब्रिटी पत्रकार नहीं है, आप हैं। कह रहे थे खान सर कि जब कोई सेलिब्रिटी का इंटरव्यू कोई इंडियन पत्रकार ले और इंग्लिश में अगर पूछे, तो पत्रकार से कहिए कि हिंदी में बात करो, क्योंकि सेलिब्रिटी पत्रकार नहीं है, वो आदमी है। अगर वो किसी इंग्लिश मैगजीन के लिए इंटरव्यू ले रहा, तो इंग्लिश बोलिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए ले रहा हो, द हिंदू के लिए ले रहा हो, या किसी भी इंग्लिश मैगजीन के लिए, फ्रंट लाइन के लिए ले रहा हो, या विदेशी मैगजीन के लिए ले रहा हो, या विदेश में ब्रॉडकास्टिंग के लिए ले रहा हो, तब आदमी को इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहिए। वरना जैसे ही आपसे कोई आदमी अंग्रेजी में कुछ पूछे, उसको इमीडिएटली बोलिए हिंदी में बात करो। यहाँ तक कि आज मैं हिंदी दिवस पर यह भी कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी आपका इंटरव्यू कोई अंग्रेजी में ले, उसको तुरंत वार्न कीजिए कि हमसे हिंदी में बात कीजिए। अगर वो नहीं करता है, मेरे हिसाब से वो अपराधी है। अगर कोई आदमी आपका इंटरव्यू हिंदी में लेने को तैयार नहीं है, भारत में, इंडिया के अंदर, यानी सॉरी, अब तो इंडिया बोलना कुछ लोग पसंद भी नहीं करते हैं, भारत बोलना पसंद करते हैं। अगर पूरे भारत के अंदर कोई व्यक्ति आपका इंटरव्यू लेता है और वो इंग्लिश में आपसे पूछता है, आप उससे कहिए कि हमसे हिंदी में बात करो। खतरा तो है, हो सकता है आपको वो आपका इंटरव्यू ही नहीं ले, आपको हटा दे, आपको कहीं नौकरी ना मिले, लेकिन ये गलत बात है। भारत में रहकर कोई आदमी हिंदी में बात नहीं करना चाह रहा, बड़े शर्म की बात है। आज मैं हिंदी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहता हूं, हम सब बोल्डली, हिम्मत के साथ हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे। हम हिंदी बोलेंगे, हम अब सामने वाले से भी हिंदी बोलवाएंगे। अगर वो हिंदी नहीं बोलता है, तो मेरे नज़र में एक तरह से वो अपराधी है, भारत का गद्दार है। भारत के हिंदी भाषा का सम्मान होना ही चाहिए। हालांकि मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में भी हिंदी को लोग हर जगह सम्मान नहीं देते, मुझे लगता है। आप पूरे पश्चिम बंगाल में चले जाइए,
जाहिर है वहाँ पर सभी लोग बंगाली बोलना बंगला भाषा बोलना पसंद करते हैं। निजी भाषा की मधुरता तो है, मैं भी कहूँगा बंगला भाषा हो या किसी की भी भाषा मधुर तो होती है, लेकिन अगर एक नेशनल लैंग्वेज की बात करें, मदर टंग की बात करें, तो हिंदी पूरे भारत में हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो मेरे कुछ दोस्त रिश्तेदार कहते हैं कि जब कभी हम लोग साउथ जाते हैं, तमिलनाडु हो या कर्नाटक हो, तो वो लोग हिंदी बोलना सुनना पसंद नहीं करते। अब साउथ इंडियन की अपनी अकड़ है, उनको अपनी भाषा बोलनी अच्छी लगती है, पश्चिम बंगाल को बंगला बोलना पसंद है। हिंदी जो पूरे भारतवर्ष की मातृभाषा है, मदर टंग है, उसे अब तक जो सम्मान नहीं मिला है, मैं कल रात को एक वीडियो देख रहा था, अमेरिका से जो आई थी वहाँ की रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ के प्रेसिडेंट की रिप्रेजेंटेटिव, वो हिंदी में बोल रही थी। अब सोचिए कोई विदेशी महिला जो अमेरिका के राष्ट्रपति की रिप्रेजेंटेटिव है, वो हिंदी में बात कर रही है, कितने बड़े गौरव की बात है। हिंदी दिवस को अगर किसी ने सही से ही मनाया तो उन्होंने मनाया, नाम मैंने याद किया था, नहीं हो पाया याद मुझे उनका, लेकिन मुझे आश्चर्य है, खूब खुशी है कि कल अमेरिका के राष्ट्रपति की रिप्रेजेंटेटिव हिंदी में बात कर रही थी। ये हुआ हिंदी दिवस की महानता। आज विश्व के कई देशों में लोग हिंदी बोलना पसंद करते हैं। जिस तरह से आज से पिछले कुछ वर्षों में पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा फैल गई और अंग्रेजी भाषा को बहुत मान्यता मिला, अब वो समय आ गया है कि हिंदी को भी पूरे विश्व में मान्यता मिलेगी। और इसके लिए मैं थोड़ा सा श्रेय अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देना चाहता हूँ कि मोदी जी के कारण पूरे विश्व में लोग हिंदी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मैंने एक वीडियो में देखा था किसी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छू रहे थे। ऐसा जल्दी होता नहीं है क्योंकि दोनों ही पैरेलल हैं, समानांतर हैं। अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो वो भी कुछ कम नहीं थे। दो बराबरी का, दो समकक्ष व्यक्ति में से एक व्यक्ति मोदी जी के पांव छू रहे थे। आश्चर्य की बात है, ठीक है। और मोदी जी भी उस समय पहले तो रोके, बाद में उसके पीठ को उन्होंने स्पर्श करके आशीर्वाद दिया। बड़ा अजीब बात था कि दो समकक्ष व्यक्ति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पैर छू रहे हैं। ये प्रेम के साथ साथ श्रद्धा भी वाली बात हो गई है। खैर, हिंदी दिवस में मैं फिर से कहूँगा, मेरी तरफ से हिंदी भाषा को बहुत बहुत सम्मान प्यार। मैं जीवन भर हिंदी बोलना पसंद करूँगा। जहाँ मुझे अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा वहाँ मैं अंग्रेजी बोलूँगा, अन्यथा हिंदी इज़ द बेस्ट। हिंदी भाषा बहुत ही पसंद है। अब मैं लौटता हूँ अपने उस बात पर जब मैंने कहा था सुबह के वीडियो में कि लोग हमारे माथे पर इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि हम उन्हें माथा पर चढ़ने देते हैं। अगर हम उन्हें माथा पर से उतार दें तो आपको नहीं चढ़ेंगे। मगर कैसे कैसे हम क्या करें कि लोग हमारे माथे पर नहीं चढ़ें? तीन बातें मैंने कही थी। सबसे पहली बात कि हम सबको बचपन से ही अपने माता पिता से घनिष्ठ संबंध रखना चाहिए। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब मैं शायद 12-13 साल की उम्र से ही अपने माता पिता से दूर रह करके, दूरी बना करके रहने लगा और अपने दोस्तों के बीच रहता था, 10-12 दोस्त के बीच मैंने अपने 24 घंटा में से 16-17 घंटा अपने दोस्तों को दे दिया। माता पिता से मैंने दूरी बना ली थी। बस घर में आए, खाना खाने से मतलब, फिर दोस्त के पास, और पिताजी से तो खैर बात ही नहीं करते थे। मुझे लगा मेरे दोस्त काफ़ी हैं, मेरे बाप से भी बढ़ करके। एक बार तो एक दोस्त के लिए मैंने पिताजी से भी झगड़ा कर लिया। कोई मेरा दोस्त आया था साइकिल लेकर के और उसने मेरे बारे में पूछा, मेरे पिताजी ने उसको डांट दिया, तो मैंने पिताजी से, समझिए कि गलत शब्द का उपयोग भी कर दिया था। इसके लिए मेरा छोटा भाई हमको बार बार बोलता है कि आप तो दोस्त के लिए अपने पिताजी को गाली दिए थे। बाद में उसी दोस्त ने मुझे एक बार कहा कि जाओ रोड के उस पार से सिगरेट लेके आओ, और मुझे रोड पार करने में देर हो गया, उसने मेरे मुँह पर बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा, बोला अभी तक यहीं खड़ा है, चलो जाओ। उस दिन से मुझे एहसास हो गया कि दोस्त से बढ़कर बाप है, ये भी कोई बात हुआ, बाप तो है ही भगवान के समतुल्य। तो मेरा पहला सेशन, हम सबको अपने माता पिता से मिलकर रहना चाहिए जीवन भर, जब तक जीवन है अपने पिताजी और माँ का दामन पकड़ के रखिए, साथ साथ चलिए। अधिकांश जगह पर क्या होता है, पिताजी के पास पैतृक संपत्ति भी है, हो सकता है उनका अपना घर हो, उनका बैंक बैलेंस हो, उनकी शक्ति हो, उनका आशीर्वाद हो, उनकी ममता हो। अगर आप अपने पिता के साथ हैं तो समाज का कोई भी आदमी आप पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। क्योंकि अभी एक फिल्म आई है ना जवान में, क्या है वो, बेटा को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करना होगा, अच्छा कोई लाइन है अभी, बहुत सुंदर बात है, आप लोग उस लाइन को याद कर लिए होंगे, बाप बेटा को हाथ लगाने से पहले तुम्हें बाप से बात करना होगा। बिल्कुल सही बात है। जो लड़का या लड़की
अपने माता पिता के साथ है उसके ऊपर चढ़ने की गलती मत करिएगा। लेकिन जब मैंने ये गलती की कि मैं अपने पिता से डिस्कनेक्ट हो गया, तो मुंबई में मेरे एक दर्जन दोस्त सारे के सारे मेरे सिर पर चढ़कर तांडव करते थे। मेरे दर्जन भर दोस्त, मालूम था कि बाप से कोई कनेक्शन तो है नहीं, उल्टे सीधे ढंग से मेरे साथ आचरण व्यवहार किया गया। जब मुझे इस बात का होश आया कि नहीं, माता पिता नेक्स्ट टू गॉड, या कहिए कि गॉड, तो आज मेरे पिताजी मेरे पास हैं, मैं अभी उनके पास से ही आ रहा हूँ। तो मेरी पहली देशना सजेशन सलाह, अपने माता पिता से जुड़ कर रहिए, फिर कोई माई का लाल आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा। दूसरा सेशन जो इतना ही इम्पोर्टेंट है, अपने भाई से मिलकर रहिए। अगर आपके पास भाई है या बहन है, उनसे मिलकर रहिए। जहाँ दो भाइयों में मैत्री होता है, प्रेम होता है, वहाँ कोई दुश्मन घुसना नहीं चाहता, क्योंकि वो भाई भाई है। दो चार भाई अगर एक हो गए तो कब पिटाई हो जाएगी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर दो भाइयों में फूट पड़ जाए, उसका फ़ायदा हमेशा दुश्मन उठाते हैं। अगर दुष्टों को पता चल जाए कि दो भाइयों में फूट है, या दो भाइयों में फूट डाल दो उसके बाद राज करो। अगर मैं अपने भाई से लड़ाई झगड़े करके अलग हो जाऊँ, इसका फ़ायदा दुश्मन आराम से उठाएगा, क्योंकि उसको मालूम है इसका साथ तो इसका भाई देगा नहीं। अगर मुझे कभी 500,000 की ज़रूरत है और मैं अपने भाई से नहीं बात कर सकता हूँ, झगड़ा है, तो फिर आप जिसके पास जाएंगे वो आपका यूज करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, आपका शोषण करेगा, यानी घटिया भाषा में आपके सिर पर चढ़कर नाचेगा। तो मेरा दूसरे जो आप लोगों को सलाह है, अपने भाई बहन से मिलकर रहिए। आप जितने भाई बहन हैं, इकलौते हैं तो बात कुछ और है, लेकिन अगर आपका कोई भाई और बहन है, जीवन भर अपने भाई बहन से मिलकर रहना चाहिए। क्योंकि भाई बहन से लड़िए, झगड़िए, सब कुछ करिए, लेकिन रिश्ता मत तोड़िए। अपना भाई किस्मत से मिलता है, अपनी बहन भाग्य से मिलती है। कोई भी बाहर वाला पर तभी चढ़ पाएगा जब आपका आपके भाई बहन से रिश्ता खराब रहेगा। तो पहली बात मैंने कहा, अपने माता पिता से मिलकर रहिए। दूसरी बात मैंने कहा कि अपने भाई बहन से मिलकर रहिए जीवन भर। भाई डांट दे, मार दे, पीट दे, गाली दे दे, चलेगा, कुछ दिन बाद फिर आप भाई के साथ एक हो जाइए। मेरे हिसाब से जहाँ तक संभव है, अपने भाई बहन से मिलकर रहिए। कोई भी आदमी आप पर नहीं चढ़ पाएगा। और तीसरी और अंतिम बात, अगर कोई व्यक्ति, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी सिद्ध गुरु से जुड़ा हुआ है, जैसे ओशो, या कोई डेरा बाबा से कनेक्टेड है, या कोई डॉक्टर नरेंद्र सिंहवाली से जुड़ा हुआ है, अगर आपके गुरु बहुत ही पावरफुल है, कोई गोरखनाथ से कनेक्टेड हो, अगर आपके गुरु बहुत ही पावरफुल हैं और आप अपने गुरु के साथ एक हो गए हैं, तो जो कोई भी आपकी तरफ बुरी नज़र से देखेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। ये मैं आध्यात्मिक बल पे कहता हूँ, अध्यात्म और साधना के बल पे कहता हूँ। यदि कोई शिष्य और उसका गुरु, अगर वो है ना, एक महाराष्ट्र में हुए थे शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी, अगर किसी के गुरु समर्थ रामदास जी जैसे हो जाए, उनके शिष्य को कोई बुरी नज़र से देखेगा तो बहुत भारी पड़ेगा। तो ये मेरा तीसरा और अंतिम सेशन है। किसी समर्थ गुरु के शिष्य अगर आप हैं, हालांकि समर्थ देख करके शिष्य नहीं बनना चाहिए, लेकिन किसी कमज़ोर का भी क्या शिष्य बनना, अगर आप किसी समर्थ गुरु के शिष्य हैं, फिर आपकी तरफ बुरी नज़र से देखने वाला भी जलकर राख हो जाएगा। अर्थात मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को किसी न किसी समर्थ गुरु का शिष्य होना चाहिए, गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु से ध्यान साधना सीखनी चाहिए, और गुरु से ध्यान साधना समाधि तक की यात्रा करनी चाहिए, मोक्ष तक पहुंच जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जो व्यक्ति अपने माता पिता के साथ यूनाइटेड है, एक है, जो व्यक्ति अपने भाई बहनों के साथ एक है, और जो व्यक्ति अपने गुरु के साथ एक है, उसके ऊपर कोई नहीं चढ़ पाएगा। यही तीन सबसे सुंदर उपाय है। और कुछ लोकल बातें जो मैं एक मिनट के अंदर अपनी बात पूरी करना चाहूँगा, लोकल जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ये तो बहुत आध्यात्मिक बात है कि माता पिता से एक होना, भाई बहनों से एक होना, और अपने सदगुरु के साथ एक होना। सामाजिक तौर पर आपको दो तीन काम करना चाहिए। हर व्यक्ति को हो सके तो शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति बहुत मजबूत हो जाता है। अगर आप वेल एजुकेटेड हैं, हो सकता है आप अपने जिला के मजिस्ट्रेट हो जाएं, डीसी हो जाएं, कोई बड़े बड़े मिनिस्टर हो जाएं। हालांकि यहाँ पे पावर गेम चलता है, सब कोई एक दूसरे को दबाते रहते हैं, फिर भी
समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हो सके तो हर आम आदमी को या सभी आदमी को एजुकेटेड होना चाहिए और वेल एजुकेटेड होना चाहिए, बढ़िया से शिक्षित होना चाहिए। दूसरा सजेशन, धन कमाना चाहिए, बचाना चाहिए। अगर आप धन से कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तो कोई भी आपके माथा पर चढ़कर डांस करेगा, आपका दुरुपयोग करेगा। तो बाहरी तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा और धन दोनों आपके पास होना चाहिए, फिर कोई भी आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा। आशा करता हूँ सुबह जो मैंने वादा किया था मैंने अब पूरा किया। मैंने सुबह के वीडियो में कहा था लोग आपके माथा पर इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि आप उन्हें चढ़ने देते हैं, उन्हें उतारना सीखिए। कैसे उतारना है अब मैं 5 पॉइंट आपको बता चुका हूँ, रिपीट करता हूँ और उसके बाद शुभ रात्रि कहूँगा। माता पिता के साथ एक हो जाएं, भाई बहनों के साथ एक हो जाएं, अपने सद्गुरु के साथ एक हो जाएं, शिक्षित बने और धनवान बने। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका कीमती समय देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।